गुड मॉर्निंग। फिर मैं आया मैथमेटिक्स का बूस्टर डोज लेकर के आप लोगों को के सामने। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो कि मेन पेपर इंटर में बायोलॉजी रख लेते हैं और उनको फिजिक्स समझ में नहीं आने लगता है, क्योंकि मैथ उसका डैमेज है, मैथ कमज़ोर है। और ऐसे बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी ये क्लास है। और ऐसे नाइन्थ टेंथ क्लास से जैसे ही 11 में जाता है तो उसको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का बेसिक जानकारी नहीं होती है, वो तो पढ़ाई करेंगे बाद में, और फिजिक्स तो शुरू से ही उसको ज़रूरत पड़ने लगता है। और गति चैप्टर को सही ढंग से समझने के लिए उसको इंटीग्रेशन का ज़रूरत पड़ता है। इसलिए मैं कुछ आप लोगों को बताने जा रहा हूँ बारी बारी से, दो चार क्लास, ताकि इसको आप जब बढ़िया से देख लेंगे, सही ढंग से देखेंगे, और होमवर्क्स जो भाई लास्ट में क्लास के लास्ट में देता हूँ और उसको बनाएंगे, तो निश्चित रूप से आपको फिजिक्स समझ में आने लगेगा। तो इसलिए बनाते हैं हम कुछ। आज का टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा, ठीक ना। ये गणित में मिलेगा आपको, और बहुत जो मैथ रखेंगे मेन पेपर तो उसको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा उसमें, लेकिन शुरू में जब ज़रूरत पड़ जाएगा तो उस समय दिक्कत होती है, और बायोलॉजी वाले बच्चों को सब दिन दिक्कत होते रहता है। इसलिए कुछ 5-7 क्लास लूँगा बारी बारी से, एक एक टॉपिक पर। जैसे पिछले क्लास हमने लिया था डिफ्रेंसिएशन, और आज ले रहा हूँ मैक्सिमा मिनिमा पर, जिसको हिंदी में बोलते हैं उच्चिष्ठ। उच्चिष्ठ इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैक्सिमा, और एक होता है निम्निष्ठ। निम्निष्ठ मिनिमा, उच्चिष्ठ मैक्सिमा, निम्निष्ठ मिनिमा। ये क्या है पहले थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। देखिए, जैसे कि कोऑर्डिनेट है, इसको एक्स अक्ष, एक्स डैश अक्ष, वाई वाई डैश, ये मूल बिंदु है। कोई समीकरण है y बराबर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 होगा, ये समीकरण है। इसका तो ग्राफ होगा कुछ ना कुछ, इसका अगर ग्राफ खींचने कहेगा तो मान ले के चलते हैं इस टाइप का ग्राफ हो गया। तो ग्राफ में हम देख रहे हैं ये बिंदु जो है ये सबसे मैक्सिमम पॉइंट पे है कि नहीं, है ना। और इस ग्राफ में ये बिंदु कहाँ है, मिनिमम पॉइंट पर। अगर इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दें हम, स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा क्या है, एक्स अक्ष के समांतर है, यहाँ भी आप खींचिए तो क्या होगा, लेकिन ये इन सब बिंदु पर कहीं भी ले लीजिए स्पर्श रेखा, क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष के समांतर होगा नहीं, उसमें स्लोप दिखेगा, दिखेगा ना। यहाँ ले लीजिए, देखिए इस तरह का स्लोप दिखेगा, लेकिन जो मैक्सिमम पॉइंट है और मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट जो है उस पर अगर समांतर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो एक्स अक्ष के समांतर होगा। और समांतर होने के कारण इस बिंदु का, इस बिंदु पर, इस रेखा के लिए इस बिंदु पर अगर हम x के साथ वेरिएशन पूछेंगे क्या है, तो जीरो हो जाएगा। मैंने x के साथ बदलाव कितना है, x जैसे कि x1 दूरी पर ये हैगा कितना, y का मान मान के चलो यहाँ 15 है, y का मान 15 है, x2 दूरी पर y का मान 15 है, x3 दूरी पर कितना होगा, 15 बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। तो वही जो भी कुछ वायर है उसका d बाई डी एक्स का मीनिंग क्या हुआ, वाई का एक्स के साथ वेरिएशन, तो क्या होगा, तो शून्य नहीं हो जाएगा, बात समझे, ये शून्य क्यों आ रहा है, समझ गए। तो मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट पर जो भी हमारा ये होगा ये वेरिएशन, वो शून्य हो जाएगा, बाकी इन सब पॉइंट के लिए वेरिएशन शून्य नहीं होगा। तो हम दी गई समीकरण का अगर हम डिफ्रेंशिएशन वाई एक्स के सापेक्ष कर दें, एक्स के साथ वेरिएशन, तो कुछ ना कुछ इसमें व्यंजक में बदलाव आएगा, और वो व्यंजक जो है अगर हम शून्य के बराबर कर देंगे, डायरेक्ट शून्य के बराबर कर देंगे, तो उससे हमें दो वैल्यू प्राप्त होगा। तरीका मैं बता रहा हूँ, उससे कितने वैल्यू प्राप्त होंगे, दो वैल्यूज प्राप्त होंगे।
और एक वैल्यूज मैक्सिमम पॉइंट देगा और एक मिनिमम, और कैसे जांच करेंगे उसका जांच करने का पता बता देंगे आपको कि कैसे जानेंगे वो मैक्सिमम कौन सा एक्स का वैल्यू देगा और कौन सा वैल्यू मिनिमम देगा। पहले आप ये जीरो क्यों कर रही है समझ में आया कि एक कोई भी फंक्शन हमको रहेगा, जैसे ये एक्स का फंक्शन है, इसी को ना एफ एक्स भी बोलते हैं, वाई बराबर इतना लिख दे, वाई क्या है ये तो एक्चुअल में एफ एक्स है कि वाई एक्स का फंक्शन है, y बराबर जो है ये x का फंक्शन, मैंने x का कोई व्यंजक है, फंक्शन का अर्थ क्या था कोई व्यंजक और कुछ नहीं होता, इसका मीनिंग कुछ नहीं है, इसका मीनिंग है x वाला कोई व्यंजक है बगल में, जैसे यहाँ ये एफ एक्स पूरा कहलाएगा। कोई भी फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि कहीं भी एफ एक्स रहे एफ एक्स, इसका मीनिंग होता है कि x चर वाला एक व्यंजक है बगल में, बगल में एक व्यंजक है वो x चर होगा उसमें, जैसे वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक व्यंजक है, इस व्यंजक का मान x के बदलने से बदलेगा, तो ये किस वेरिएबल x है, इसलिए पूरे व्यंजक को x का फंक्शन कहेंगे। बात समझे, फंक्शन का अर्थ समझे, फंक्शन का अर्थ कुछ नहीं होता, फंक्शन का अर्थ x जो भी यहाँ रहे जिसका भी फंक्शन कहेगा उतना वेरिएबल वाला एक व्यंजक है, और कुछ नहीं होता इसका मीनिंग, और कुछ नहीं होता इसका डिफरेंशिएशन कहेगा निकालने, d by dx of fx कहेगा, मतलब क्या है कि जो व्यंजक है उसका डिफरेंशिएशन निकालना है, कि x वाला जो व्यंजक है फंक्शन है उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना। तो उसी प्रकार यहाँ fx इसको भी कहीं दे देगा आपको fx बराबर इतना, तो टेंशन नहीं लेना, y बराबर इतना टेंशन नहीं लेना, ये भी फंक्शन ही है, y भी फंक्शन ही है x का, y बराबर fx यहाँ लिख सकते हैं ऐसे कि x का एक फंक्शन है y, तो y तो x का फंक्शन है ये, और वो फंक्शन क्या है ये है। बात समझे, अब इसका ग्राफ जो भी कुछ होगा, ग्राफ जो भी कुछ होगा इस टाइप का कर्व होगा, घटेगा बढ़ेगा जिधर भी जाएगा, तो उसमें जो मैक्सिमम पॉइंट है, जो मैक्सिमम पॉइंट है उस पॉइंट पर अगर स्पर्श रेखा खींचे तो हम देखेंगे वो एक्स अक्ष के समांतर होगा, और मिनिमम ग्राफ में मिनिमम पॉइंट पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये भी एक्स अक्ष के समांतर होगा, होगा। तब इसका वेरिएशन अगर हम देखना चाहेंगे कि एक्स बदलने से वाई का मान क्या बदल रहा है, इसमें क्या बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा, जीरो होगा, बदलाव तो जीरो ना होगा क्योंकि हमेशा कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ बदलाव कर रहा है dx पर dy कितना बदला, जीरो बदला, क्योंकि जो है वही है। तो इसलिए इस फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव ले लें x के सापेक्ष, यानी डिफ्रेंशिएट कर दें इसको x के सापेक्ष, तब जो भी कुछ प्राप्त होगा हमारा फंक्शन, इस फंक्शन का वेरिएबल रूप, वो निश्चित रूप से जीरो के बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। क्या हम मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट पर की बात कर रहे हैं, यह हमेशा नहीं जीरो होगा, लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट पर इसको एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो निश्चित जीरो होगा। बात बुझ रहे हैं, एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट का अर्थ है dx बदलने से dy में क्या परिवर्तन होगा, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस सब पॉइंट का रहेगा परिवर्तन होगा, इस सब पॉइंट पर परिवर्तन होगा क्योंकि इसका स्पर्श रेखा इस रूप है, इस स्पर्श रेखा का हर बिंदु बदल रहा है, dx बदलने के बाद x बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, ना बदल रहा है, इधर का दूरी बदलना, मतलब जैसे यहाँ स्पर्श रेखा, मतलब क्या है एक्स वन पर ये हो गया वाई, x2 जाएंगे तो y बदल गया, x3 जाएंगे तो y बदल गया, x4 गया जाएंगे y बदल गया, बदल रहा है ना, लेकिन इस स्पर्श इस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींचे इसमें देखिए x1 दूरी पर देखिए, x2 दूरी पर देखिए, x3 दूरी पर देखिए, तो मैक्सिमम पॉइंट पर जो है स्पर्श रेखा का जो भी कुछ समीकरण है उसको x के साथ बदलाव क्या होगा तो जीरो होगा, और मिनिमम पर भी जीरो, क्यों, क्योंकि उस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा है वो x अक्ष के समांतर हो जाता है, इसलिए dx के साथ इसका वेरिएशन नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। तो हम dy by dx करेंगे और उसको जीरो के बराबर ही कर देंगे क्योंकि हमको मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट ही सिर्फ लेना है, इसलिए हम जीरो के बराबर कर देंगे क्योंकि उस जीरो के बराबर करेंगे तभी तो वो मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट को देगा। समझ में आया, बात समझ में आया, नहीं समझा तो थोड़ा सा। इसका ग्राफ होता है, कोई भी समीकरण का ग्राफ होता है, इतना समझ में आता है, नाइन टेंथ क्लास में पढ़ा है, कोई भी समीकरण का ग्राफ खींचने, दो चार वाला समीकरण हो, एक चार वाला समीकरण हो, ग्राफ समझ है, वो इसके दिमाग से गोल हो गया।
तो दो चर वाला समीकरण दे देगा, उसका ग्राफ खींचने कहेगा। एक चर वाला समीकरण दे देगा, ग्राफ खींचने कहेगा, नहीं खींचाता। तो आप लोग सरल रेखीय पढ़े थे, सरल रेखीय ग्राफ पढ़े हैं, लेकिन आप संभवतः कितना अध्याय है 3.1 या कुछ याद कीजिए, उसमें कहता है एक्स का शून्य, पी एक्स का शून्य अंक ज्ञात करें, तो कितना बार कटा रहा था ऐसे करके, उसमें देखिएगा 10th क्लास में पढ़ेंगे ऐसे 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 ग्राफ, तो शून्य अंक की संख्या बताएं 3 करते हैं। ये कहाँ का ग्राफ है, ये इसी सब समीकरण का ना है, यही है द्विघाती त्रिघाती समीकरण का ये सब ग्राफ है। उसमें जितना भी ग्राफ दिया है वो ग्राफ कहीं ना कहीं को समीकरण से ही है, गणित का ही वो है, ठीक ना, और वो द्विघाती त्रिघाती समीकरण का ग्राफ है। तो इसका ग्राफ वो हो गया। अब ग्राफ में बता रहे हैं कि जो बिंदु महत्तम है उस महत्तम बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच दो। अब इस स्पर्श रेखा को देखो डी एक्स दूरी पर वो कितना बदल रहा है, ये एक्स यहाँ से यहाँ तक एक्स है, इतना सा गए आगे तो एक्स टू है, एक्स टू में एक्स वन घटा दिया डी एक्स हो गया, ठीक। तो डी एक्स बदले तो ये यहाँ से यहाँ तक में कितना, वाई का मान में क्या बदलाव आ रहा है, जैसे यहाँ था 15 डी वाई, यहाँ आगे डी एक्स दूरी बढ़े तो यहाँ भी देखते हैं वाई का मान कितना, तो बदलाव कितना है, 15 में 15 नहीं घटा देंगे, 15 में 15 घटा तो कितना बदला, तो यहाँ लेकिन दूरी बदला कि नहीं, एक्स से डी एक्स दूरी बदल गया, लेकिन वाई में क्या हुआ, वाई में यहाँ वाई वन का वैल्यू कितना था 15, वाई टू का वैल्यू कितना था 15, तो डी वाई कितना हो गया, वाई टू घटो वाई वन अर्थात 15 घटो 15 जीरो, समझ में आया। अब मिनिमम पॉइंट पर चलो, जो मिनिमम होगा यहाँ भी मान के चलो एक्स वन का वैल्यू इस जगह, एक्स वन का वैल्यू है वाई वन, एक्स टू का वैल्यू है वाई टू, वाई टू तो एक्स टू घटो एक्स वन पर बदलाव कितना है वाई टू माइनस वन, एक्स टू घटो एक्स वन को डी एक्स मान लो, वाई टू घटो वाई वन का कितना वैल्यू होगा, तो देखो वाई वाई यहाँ से ना वैल्यू पता चलता है, यहाँ अगर है कितना 8 तो वाई वन का वैल्यू 8, वाई टू का वैल्यू 8 तो 8 माइनस 8 जीरो नहीं हो जाएगा, यानी कि मिनिमा पर, लेकिन वही इस बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा खींच ले, इस स्पर्श रेखा के लिए एक्स वन पर देखो वाई का वैल्यू कितना है, एक्स टू पर देखो वाई का वैल्यू कितना है, बदल गया ना, ये तो बदलाव हो जाएगा, लेकिन जो मैक्सिमम पॉइंट होगा उस जगह स्पर्श रेखा में कोई बदलाव नहीं होगा वाई एक्स के सापेक्ष, मिनिमम पॉइंट पर भी एक्स के साथ वाई में बदलाव नहीं होगा। अब समझा, ठीक। तो हम जो इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष जो डिफ्रेंशिएट करेंगे वो शून्य कर देंगे, अपने मन से शून्य कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमको मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट को ही लेना है, तो इसलिए शून्य में जान रहे क्यों शून्य होगा, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट पर जो भी स्पर्श रेखा होगा उसका जो एक्स के साथ बदलाव नहीं होगा, वेरिएशन नहीं होगा। तो हम लोग जो ये डी एक्स लिखते हैं कितना अल्प बिंदुवत है, बिंदुवत है, इसीलिए हम वो कम कर लेते हैं। क्या आपको प्रश्न है इस रेखा से हमको क्या मतलब है, इसी बिंदु से मतलब है, बिंदु पर ही दो बिंदु ले लेते हैं जिसका डिस्टेंस डी एक्स मान ली नीचे, तो उसमें बदलाव नहीं होगा कुछ नहीं। तो डी वाई बाई डी एक्स ये कितना हो जाएगा 3x² एक्स 24 तो जीरो हो जाएगा, पिछले क्लास का, पिछले क्लास का रूल। अब क्या कर रहे लिखेंगे यहाँ, मैक्सिमम मिनिमा के लिए ये जीरो होगा, अर्थात ये जीरो होगा, मैक्सिमा एवं एवं मिनिमा के लिए इतना जीरो हो जाएगा, डीवाई बाई डी एक्स बराबर जीरो, यानी कितना बराबर जीरो 3x² 24 बराबर 0 3 लगता है सबसे कॉमन निकल जाएगा ना, निकाल लो x² - 6x + 8 = 0 3 भी जीरो बन जाएगा। अब इसका क्या होगा देखिए, 4 तो नहीं टूटेगा, 3 को जीरो कर दो, 3 भी खत्म हो जाएगा, x² - 2x + 8 = 0
एक्स का क्या है, एक्स माइनस फोर पहले लिख दो, अब देखो क्या कॉमन दे पाएगा, माइनस टू दे पाएगा ना, क्योंकि ये दोनों टेक रखना है बराबर जीरो। अब क्या करेंगे, ये पूरा ब्रैकेट से जो कॉमन आ रहा है एक्स माइनस फोर एक निकाल देंगे, तो इसके पास क्या बजेगा एक्स का, इसके पास क्या बजेगा माइनस टू, अर्थात जब ये इसका मीनिंग क्या होता है कि दो कोई संख्या है जिसको गुणा करके जीरो आया, तो दुनिया में किसी दो संख्या का गुणनफल अगर जीरो आ जाए, दो संख्या का अगर गुणनफल जीरो आ जाए तो उसमें एक कोई ना कोई जीरो होगा, चाहे ये जीरो होगा चाहे ये जीरो होगा, इसीलिए लिखते हैं यदि ये बराबर जीरो तो एक्स बराबर चार, यदि ये बराबर जीरो तो एक्स बराबर दो। बात समझे, क्यों लिखते हैं समझे, यहाँ लिखेंगे इसलिए लिख देते हैं, वो तो मैट्रिक में लिखने का अभ्यास हुआ गया होगा, एक्स बराबर चार और दो ना, तो ठीक है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, यही एक टू मैक्सिमा देगा एक टू मिनिमा देगा, ठीक ना, अब वो कौन मैक्सिमा देगा कौन मिनिमा देगा, तो अभी पहले इसको आप फिजिकल रूप में मत समझ करके मैथमेटिकल रूप में समझिए, ठीक ना, फिजिक्स साइंस के व्यू से नहीं, मैथ के व्यू से मैं समझाता हूँ आपको डायरेक्ट, कि इसका और एक बार डेरिवेटिव्स ले लीजिए, डीवाई बाई डी एक्स आया ना, एक्स के सापेक्ष फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक ना, उसके बाद जो मान आएगा उस मान में इसको रखेंगे, एक में क्या आ जाएगा, ये ऋणात्मक निकल जाएगा, ऋणात्मक निकलेगा मतलब ये घटने लगा, घटने लगा समझे, वो मैक्सिमम पॉइंट था, ठीक ना, और एक जो है एक का मान रखेंगे तो उसमें प्लस में वैल्यू आ जाएगा, प्लस वैल्यू आया उसके बाद जो अगर बढ़ेंगे तो प्लस वाला दे रहा है, अर्थात वो जो मिनिमम वाला था, तो जांच मैक्सिमम के लिए क्या होता है, जांच लिखा गया है मैक्सिमा के लिए क्या होगा, एक्स के एक मान इन दोनों मान में से, ठीक ना, एक्स के एक मान के लिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी एक बार और डिफ्रेंशिएट करके जो निकालेंगे उसका जो मान आएगा वो आ जाएगा ऋणात्मक, ऋणात्मक आ जाएगा एक्स के मान के लिए, इसका जो मान निकलेगा वो क्या निकलेगा, तो एक्स का कौन सा मान, पहले तो डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर निकाले नहीं है, लिखेंगे इस तरह, यहाँ देखिए अब ये जो जांच का कंडीशन लिख दिया, ठीक ना, ये कंडीशन है, चूंकि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एटीन एक्स प्लस 24, यही ना है, इसलिए एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते, इसी को लिखा जाता है डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, समझे, डी वाई डी एक्स आगे लगेगा तो डी टू वाई हो जाएगा और डी एक्स स्क्वायर लिखाएगा, डेरिवेटिव को मैं पहले ही बताया हूँ, ऐसे लिखा जाता है डबल डिफ्रेंशिएट के रूप में, विस्थापन डी एक्स बाय डी टी विस्थापन बताए थे, फिर एक बार अगर टाइम के सापेक्ष इसको कर देते हैं डिफ्रेंशिएट, तो ये लिखाता है डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर, एक्सीलरेशन ये है ना, ये हुआ विस्थापन में परिवर्तन की दर और को वेग कहते हैं, और वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, त्वरण, याद आया फिजिक्स, फिजिक्स याद आ गया, हाँ, तो यहाँ तो डिस्टेंस के साथ वेरिएशन है, एक्स अक्ष के साथ वाई का वेरिएशन है, तो इसको ना हम एक्सेलरेशन कह सकते हैं ना कुछ कह सकते हैं ना, प्रवणता है, ऐसे फिजिक्स की भाषा में कह सकते हैं ज्यादा, ठीक ना, तब क्या हो जाएगा ये, हाँ सिक्स एक्स माइनस 18 ये कॉन्स्टेंट जीरो बन गया ना, अब एक्स बराबर क्या रखिएगा, चार रखिए, चार रखने पर तो कितना हो जाएगा, छ गुना चार प्लस माइनस 18 कितना हो गया, छो की 24 18 घट जाएगा कितना बचेगा, चाहे प्लस में आ गया तो प्लस में आया, ये धनात्मक आया, धनात्मक आया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसलिए एक्स बराबर फोर मिनिमा बिंदु है ना, और एक्स बराबर क्या रख देंगे, दो, दो, दो रखने पर, तो डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर ये आया है, इसमें रखो सिक्स गुना टू माइनस 18 माइनस 6, देखिए ऋणात्मक दे दिया बराबर ऋणात्मक, ऋणात्मक दिया, ये मैक्सिमम का कंडीशन होगा क्या, इसलिए एक्स बराबर टू
मैक्सिमा बिंदु है। समझ में आया? ये क्या है, ये जो x बराबर चार है, ठीक ना, x बराबर चार जो है, x बराबर चार अगर हम रखते हैं, x बराबर चार जब लेते हैं तो उसी जगह हमको x बराबर चार जब लेते हैं उसी पॉइंट पर हमको मिनिमा बिंदु प्राप्त होगा, ठीक ना, और x बराबर जब हम दो लेंगे तो उस बिंदु पर हमको मैक्सिमम पॉइंट प्राप्त होगा। बात बुझे? x बराबर जब दो लेंगे तो उसमें हमको इस ग्राफ का कौन सा बिंदु मिल जाएगा, मैक्सिमा बिंदु, यानी कि उच्चिष्ठ पॉइंट मिलेगा। उच्चिष्ठ पॉइंट देखिए उ चा होता है, ठीक ना, फिर पूरा चा होता है, चिष्ठ उच्चिष्ठ, हाँ ठ होता है उच्चिष्ठ, इसी को मैक्सिमा बोलते हैं, इसको उच्चिष्ठ निम्निष्ठ बोलता है आदमी, टोटा उच्चारण करता है, ठ ना है, उच्चिष्ठ होता है, उच्चिष्ठ मैक्सिमा, मैक्सिमा बिंदु प्राप्त होगा, उच्चिष्ठ बिंदु प्राप्त होगा। कब? जब x बराबर चार लेंगे, अर्थात x बराबर चार जब पहुंचेंगे तो हमको कौन सा मिल जाएगा, तो चार पर मिनिमा मिला है, धनात्मक आ गया है, तो ये निम्निष्ठ बिंदु प्राप्त होगा, यानी मिनिमम पॉइंट प्राप्त हो जाएगा। बात समझे? ये समझे? तो मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए क्या हुआ, सबसे पहले देखिए आपको एक फंक्शन दिया रहेगा, उस फंक्शन का आप एक्स के साथ डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, जो आया बिंदु इति समीकरण उसको जीरो के बराबर कर दीजिए, क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट पर वेरिएशन नहीं होता है। ये क्यों जीरो कर रहे हैं, क्योंकि एक्स के सापेक्ष वाई में वेरिएशन मैक्सिमम पॉइंट पर और मिनिमम पॉइंट पर नहीं होगा, क्योंकि वहां जो स्पर्श रेखा खींचेगा वो हमेशा एक्स अक्ष के पैरेलल होगा, तो वाई का वैल्यू में बदलाव नहीं आएगा, और इसका अर्थ हुआ वाई में एक्स के सापेक्ष परिवर्तन, इसका मीनिंग क्या हुआ, वाई में एक्स के सापेक्ष परिवर्तन, तो मैक्सिमम पॉइंट पर अगर इस परिवर्तन को देखेंगे तो ये जीरो होगा, मिनिमम पॉइंट पर इसका परिवर्तन देखेंगे तो जीरो होगा, बीच में ये परिवर्तन होगा, बीच में ये सब परिवर्तन होगा, लेकिन मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट पर क्या होगा, ये शून्य, तो हम इसको शून्य के ही बराबर कर देते हैं, शून्य के बराबर करेंगे दो वैल्यू निकल जाएगा, तो एक तो मैक्सिमम और एक तो मिनिमम पॉइंट देगा, ठीक ना, और इसको जांचने का क्या तरीका है, ये जो आप वेरिएशन निकालें इसका फिर एक बार डेरिवेटिव्स निकाल लीजिए, और वो अगर ऋणात्मक हो गया समझिए वो मैक्सिमा का कंडीशन है, और यदि वो धनात्मक हो जाए तो वो मिनिमा का कंडीशन होगा। मैक्सिमा के लिए इसी तरह लेंगे, मिनिमा के लिए, मिनिमा के लिए क्या होता है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर ऋणात्मक निकलना चाहिए, ऋणात्मक निकलेगा, सॉरी मैक्सिमम मिनिमा है ना, मिनिमा में धनात्मक निकलेगा, धनात्मक का अर्थ है इसके बाद जो है ये बढ़ना चालू हो गया, वाई का वैल्यू तो बढ़ेगा कब, जब मिनिमा चालू होगा तब ना, और घटेगा कब, जब मैक्सिमम चालू होगा तो घटेगा ही, तो ऋणात्मक जब आ गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू समझिए वो जो बिंदु हमारा था वो मैक्सिमम पॉइंट था, उसके बाद जब ये ऋणात्मक निकल जाए हो गया, ये धनात्मक निकले तो समझ जाइए मिनिमम पॉइंट है। कोई दिक्कत? नहीं सर। देखिए एक क्वेश्चन लिया हूं फिर, ये क्वेश्चन है कि एक पिंड पर लगने वाले परिवर्ती बल एफ, बल क्या है, एफ वो परिवर्ती है, मतलब बल जो है स्थिर नहीं है, वो घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है, इसलिए परिवर्ती बल लगा, तथा विस्थापन एक्स के बीच संबंध निम्न समीकरण से है, जैसे कि ऐसा हुआ होगा एक तरफ बल होगा एक तरफ विस्थापन होगा, और इसका समीकरण इस प्रकार दिखा दिया गया है, ठीक ना, समीकरण होगा कुछ, समीकरण का ग्राफ इस तरह मैं आपको दिखा दिया, तो वो समीकरण क्या है, वो समीकरण है एफ बराबर इतना, तो कहता है एक्स के किस मान के लिए बल का मान महत्तम होगा, तो बल का मान महत्तम यहां होगा, महत्तम और मिनिमम यहाँ होगा, न्यूनतम यहाँ होगा, तो महत्तम केवल निकालना है, कहता है एक्स के किस मान के लिए बल का मान महत्तम होगा, तो महत्तम बिंदु पर इसका वेरिएशन जीरो होगा, क्योंकि महत्तम बिंदु अगर पैरेलल लाइन खींचेंगे तो एक्स के इसको देखेंगे एक्स के साथ क्या वेरिएशन आएगा, तो वो एक्स अक्ष के समांतर हो रहा है, अर्थात बल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और एक्स के साथ अगर डिफ्रेंशिएट महत्तम बिंदु पर करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, महत्तम बिंदु पर
डी एफ बाय डी एक्स कितना हो जाएगा, जीरो, और एफ का वैल्यू धरिए, डी बाय डी एक्स ऑफ एफ का वैल्यू धर दीजिए, एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये जो भी कुछ निकलेगा वो क्या निकल जाएगा, जीरो। अब क्या होगा, ये ए हो जाएगा सिर्फ ना, एक्स का तो वन ना होता है, डी एक्स बाय डी एक्स कितना हो जाएगा, वन होगा, फिर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ टू एक्स हो जाएगा, टू एक्स बराबर शून्य। ये समझ में आया, ये तो कुछ नहीं डिफ्रेंशिएट किए एक्स के सापेक्ष। अब एक्स खाली फ्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा उधर प्लस में हो जाएगा और एक्स उधर रख के इसको भेजेंगे तो यहाँ बटा में आ जाएगा ना, यानी कि एक्स बराबर ए बाय टू बी स्क्वायर, एक्स बराबर कितना निकला, ए बाय टू बी स्क्वायर। तो ये महत्तम बिंदु डायरेक्ट निकल गया, एक्स निकला ना, और ये बिंदु जो निकला वो महत्तम बिंदु का कंडीशन लेकर के हम आगे बढ़े, बढ़े ना, महत्तम बिंदु पर क्या होगा, ये इसका वेरिएशन जो है वो जीरो हो जाएगा, वेरिएशन जीरो होगा, और इसको लेकर के आगे बढ़े तो एक्स का मान डायरेक्ट देखते हैं, यहाँ ये आ गया। तो इस प्रकार हम एक्स का मान जान गए कि इतना पर जो है महत्तम होगा, और आगे फिर एक क्वेश्चन लेते हैं। सर यहाँ पे जो जैसे यह महत्तम बिंदु कैसे जानेंगे कि यह महत्तम बिंदु है न्यूनतम बिंदु, क्योंकि महत्तम बिंदु पर भी जीरो आ जाता है, मान जीरो होता है और न्यूनतम पर भी जीरो, वेरिएशन जीरो होता है, बिल्कुल सही बात है। कि जो समीकरण है, कोई भी समीकरण रहेगा जिसका ग्राफ इस प्रकार का रहेगा, कर्व ग्राफ रहेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, तो वहाँ हम जो मैक्सिमम और मिनिमम, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पॉइंट ना, मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट दोनों पॉइंट के लिए ये कंडीशन है कि यहाँ भी स्पर्श रेखा का वेरिएशन शून्य होगा, यहाँ भी स्पर्श रेखा का वेरिएशन शून्य होगा ना, एक्स के सापेक्ष। तो ये जो निकला ये दोनों निकलना चाहिए। तो इसके बाद हम स्टेप क्या बताए थे, इसके बाद बताए थे कि डबल डेरिवेटिव्स निकाल लो, डबल डेरिवेटिव्स का मान अगर धनात्मक आ जाए, डबल डेरिवेटिव्स का मान अगर धनात्मक आ जाए, धनात्मक होना मतलब बढ़ रहा है, तो वो क्या होगा, मिनिमम होगा, और डबल डेरिवेटिव्स का मान अगर ऋणात्मक हो जाए, यानी घटने लगा, समझो वो मैक्सिमम पॉइंट से निकल रहा है ना, बात समझ रहे हैं। तो हम कंडीशन आगे बढ़ा देते हैं, ऐसे आएगा यही, चूंकि यहाँ दिख रहा है, निकाल देना है निकाल दीजिए, इसे लिखेंगे मैक्सिमम मिनिमम के लिए, मैक्सिमा के लिए क्या होना चाहिए, डी टू एफ बाय डी एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, ऋणात्मक, क्या होना चाहिए, ऋणात्मक। तो देखते हैं इन कंडीशन है, ये वह कंडीशन, ये वह क्या हुआ, कंडीशन, तो जांच कर लेते हैं, देखते हैं ये क्या होता है, डी एफ बाय डी एक्स का कहाँ आया था जी, ये आया ना, ये किसका वैल्यू आया, एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो ये आया ना, फर्स्ट डिफ्रेंशिएट का ये मान आया, तो इसी को ले लेंगे, डी एफ बाय डी एक्स का वैल्यू कितना आया था, ए माइनस टू बी स्क्वायर एक्स, इसलिए डी टू एफ बाय डी एक्स स्क्वायर, मैंने फिर एक बार डेरिवेटिव्स कर देंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है, माइनस ये हो जाएगा टू बी स्क्वायर और एक्स का वन हो जाएगा ना, तो देखिए खुद ऋणात्मक निकल गया, ऋणात्मक निकला ना, अगर इसमें चर रहता तब यहां से चर उठा करके वहां रख देते, इस वैल्यू को वहां ले जाके रखते और सरल करके देखते, अगर यहाँ चर नहीं है, खुद को सरल होकर के निकल गया, तब भी धनात्मक ऋणात्मक यहाँ पहचान हो जाएगा, तो यहाँ डायरेक्ट ऋणात्मक निकल गया, इसका मतलब ये मैक्सिमा ही निकला, ये जो एक्स पॉइंट है यही है मैक्सिमा, बात बुझे। डबल डेरिवेटिव्स निकालेंगे, डबल डेरिवेटिव्स अगर यहाँ धनात्मक आता ऋणात्मक आता तो पता चल जाता, और अगर इसमें चर आ जाता तो उस चर के लिए ये फर्स्ट डेरिवेटिव में जो एक्स का वैल्यू आता है इसको वहाँ रख रख के देखेंगे, बात बुझे। ये सिंगल वैल्यू दिया तो इसका मतलब है सिर्फ ये मिनिमम पॉइंट या मैक्सिमम पॉइंट दे पाएगा, तो जांच करके देख लिए, देखते हैं ऋणात्मक निकला तो इसका मतलब ये मैक्सिमम पॉइंट है हाँ, यानी कि एक्स बराबर इतना दूर जब चलेंगे, एक्स बराबर ये जब स्थापन होगा तो महत्तम बल लगेगा, ये चीज बता रहा है
कि एक्स बराबर इतना जब लेंगे, इसका मान जो भी सरल करके आ जाए 10, 5, 15, 20 कुछ भी आएगा ना जी, तो उस बिंदु पर जो बल लग रहा होगा, उस विस्थापन पर जो बल लगा होगा वो महत्तम बल लगा होगा। बात बुझे? तो इस प्रकार ये क्वेश्चन खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब आगे एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, दे दिया। आप देखिए, एक्स के किन मानों के लिए निम्नलिखित फलन फलन उचिष्ट या निम्निष्ट है? ये एक फलन है एक्स का, किसका फलन है? और ये कहता है कि एक्स के किस मान के लिए उचिष्ट होगा या निम्निष्ट होगा। तो फिर हम साधारण नियम से इसको आगे बढ़ते हैं ना, क्या करेंगे? सबसे पहले इसका एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। डिफ्रेंशिएशन शून्य होगा क्योंकि उचिष्ट और निम्निष्ट का कंडीशन निकालना है, उस जगह जो स्पर्श रेखा होता है वो x के पैरेलल हो जाएगा ना। इसको हम y मान लेते हैं फंक्शन को, y बराबर x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x। वाह एक्चुअल में इसको जो डी वाई बाई डी एक्स करते हैं ना, तो अगर ये रहे तो इसको खाली f डैश कर दीजिए, वो भी वही हुआ। इसका अर्थ भी होता है डी वाई बाई डी एक्स, बताइए। इसका एक डैश दिया, इसका अर्थ होता है डेरिवेटिव्स निकालना है एक्स के सापेक्ष। बताइए, ये मैथ में आप लोग पढ़े होंगे या पढ़िएगा, यह पढ़े होंगे या पढ़िएगा, ठीक है? तो नहीं भी लिख सकते। और y बराबर इतना होगा, तो अब इसका क्या करते हैं हम लोग, एक बार डेरिवेटिव्स। ये y क्या है, y fx को मान लिए कि ये जो फंक्शन है, fx का अर्थ क्या हुआ, फंक्शन है, एक x का एक फंक्शन है, तो मान लिए वो फंक्शन y बराबर इतना है, कि फंक्शन y का मान है, ठीक ना? तो x के साथ इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव्स निकालें, यानी कि y जो ये फंक्शन है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव्स x के साथ कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर 6x माइनस 9 नहीं हो जाएगा। ये यहाँ आके गुना होता है, इसमें एक घट जाता है ना, एक यहाँ गुना होगा, एक में एक घटेगा, जीरो हो जाएगा, एक बन जाएगा ये। अब ये वेरिएशन एक्स के साथ ये क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि महत्तम बिंदु पर ये जीरो होगा, वहां वेरिएशन नहीं होगा स्पर्श रेखा में, वाई का वैल्यू वेरिएशन नहीं होगा। ये जो है इस बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो देखिए y का मान हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो x का कोई भी मान लेंगे तो हमेशा y का मान कांस्टेंट होगा, इसलिए डी वाई जीरो हो जाएगा। और मिनिमम बिंदु पर भी अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो यहाँ भी x का मान बदलने से क्या होगा, y का मान हमेशा एक ही रहेगा, जो है 10 है 10 रहेगा, तो डी वाई क्या होगा, 10 घटा 10 जीरो, तो वेरिएशन जीरो हो जाएगा। इसलिए महत्तम एवं निम्नतम यानी उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के लिए इतना बराबर जीरो जीरो, यहाँ लिखेंगे उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के लिए dy by dx क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, अर्थात क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 बराबर जीरो, 3 तो कॉमन निकल जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू जीरो। अब इसका देखिए यहाँ डिफरेंस ए करना है, गुणनखंड जो कि एकदम सिंपल है, छठा सातवां आठवां नवम सब में पढ़ेंगे, हम भूल गए, आप लोग बताइए क्या होगा, को बताइए। माइनस अरे बाइल माइनस 3x प्लस है, हाँ ये होगा राइट, इसमें इसको घटा देंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, गुणा करेंगे तो किनारे वाला गुणनफल के बराबर होता है, इसको बोलते हैं मध्य पद विभक्त विधि, क्या बोलते हैं। हाँ अब एक टू इसको देंगे, एक टू इसको देंगे, x कॉमन निकलेगा, x माइनस थ्री प्लस वन कॉमन निकलेगा ना, कुछ है ही नहीं, कुछ दिख ही नहीं रहा है कॉमन, तो प्लस एक कर लिया ना, यहाँ प्लस रहता है प्लस ब्लॉक करते हैं, माइनस रहता है माइनस ब्लॉक करते हैं, यू को एक कंडीशन नहीं है क्योंकि इससे मैचिंग कराना है, ठीक ना, बताइए बराबर जीरो। तो इसको हम लिख देंगे क्या, एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन, यानी पूरा ब्रैकेट को मान लीजिए, तो बच गया एक्स प्लस वन बराबर जीरो। अब वही कंडीशन, यह तो ये बराबर जीरो, तो एक्स बराबर तीन, जब ये बराबर जीरो तो एक्स बराबर माइनस एक, इसलिए लिख सकता हूँ एक्स बराबर तीन कॉमा माइनस एक। अब क्या है, दो मान दिख रहा है, इसका मतलब ये मिनिमम मैक्सिमम दोनों देगा, कौन तो मिनिमम देगा, कौन सा मान मैक्सिमम देगा, इसका जांच होता है डबल डेरिवेटिव से। डबल डेरिवेटिव से जब धनात्मक आ गया तो समझिए x का वह मान क्या होगा, मिनिमम मिनिमम होगा, और
डबल डेरिवेटिव से अगर ऋणात्मक आ गया तो समझ जाइए x का वही मान, मतलब x का उस मान पर जाएंगे तो मैक्सिमम पॉइंट मिल जाएगा। बात बुझे? जांच m x i m मैक्सिमा के लिए d2 y by dx स्क्वायर क्या आना चाहिए? ऋणात्मक अर्थात इसको करते हैं सर, डी वाई बाई डी एक्स कितना निकला था? है यहाँ निकला है ना, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा? ये इसका डिफरेंशिएट एक बार निकलेगा, ये जो निकला है डी वाई बाई डी एक्स का ना, नहीं समझा? अबे इसको लिख सकते हैं डी वाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये नहीं डबल डी, तो डी वाई dx ऑफ dy बाय dx का मान रखो यहाँ 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, ये क्या हो जाएगा 6x माइनस 6 हुआ। अब यहाँ x का मान रखो दोनों, x बराबर 3 रखने पर दोनों निकालने का आता है, इसलिए यहाँ दोनों लिख कंडीशन लिख देना, मैक्सिमम के लिए ये और बगल में लिख देना मिनिमम के लिए, मिनिमम के लिए, मिनिमम के लिए क्या होता है डी टू वाई बाई डी एक्स धनात्मक। तब देखते हैं क्या निकलता है, एक्स बराबर 3 रख देंगे तो क्या होगा? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 6 × 3 = 6 × 18 = 6 कितना हो जाएगा? 12 धनात्मक निकला, धनात्मक निकला तो ये एक्स बराबर 3 क्या देगा? मिनिमम देगा, एक्स बराबर माइनस 1 रखने पर, रखने पर तो रखते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 × −1 − 1 − 6 बराबर माइनस, वाह ऋणात्मक दिया और ये मैक्सिमम मैक्सिमम देगा। तो ये पूछा ही है, लेकिन अतः x बराबर −1 मैक्सिमा का कंडीशन है और x बराबर 3 मिनिमा का शर्त है। हाँ, उच्चिष्ट के लिए x का मान, उच्चिष्ट के लिए x का मान −1 है और निम्निष्ट के लिए x का मान 3, ये भी लिख सकते हैं। ये जो मान आ रहा है दो ठो, यही दोनों मान है मैक्सिमा मिनिमा का, वो तो केवल जांच हम किए, मान तो यहाँ दिख रहा है कि मैक्सिमा मिनिमा इसी में से कोई एक होगा। क्यों? क्योंकि हम डी वाई बाई डी एक्स किया है वो जीरो कर दिए, जब जीरो किया तो इससे जो भी दो चर वाला समीकरण हमारे पास प्राप्त था दो घाती समीकरण, इससे दो गुणनखंड निकला, दो मान निकला और दो मान जो निकला है वो दोनों मान ऑटोमेटिक एक मैक्सिमम पॉइंट के लिए और एक मिनिमम पॉइंट के लिए, तभी तो उसका डिफरेंशिएट जीरो हुआ था, और जीरो करके ही निकला है वो मान, तो इसका मतलब वो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट ही देगा। तो हम केवल जांचने के लिए कौन मैक्सिमम देगा कौन मिनिमम होगा उसको जांचने का ये रूल है कि डबल डेरिवेटिव्स कर दो, अगर वो धनात्मक निकल गया तो मिनिमा है, ऋणात्मक निकल गया तो मैक्सिमा है, और ये आपको याद रखना है। हाँ। कंडीशन बात बुझे? हाँ। तो इस प्रकार ही समझे? हाँ। समझ गए तो हम अगला क्वेश्चन फिर ले सकते हैं। हाँ। ठीक, देखिए यहाँ होमवर्क में 3 दिया आपको, बना के लाना है। हाँ। और जो दो तीन तो मैं एग्जांपल दे के समझाया उसको बना लेना है, आपको फिजिक्स में अगर जरूरत पड़ेगा इससे ज़्यादा मैक्सिमम मिनिमा का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक ना? ऐसे तो फर्स्ट ईयर में नहीं बराबर मिलेगा। देखिए यहाँ ये है समीकरण का उचिष्ट निम्निष्ट मान निकाले, निकल जाएगा निम्नलिखित फलनों का अधिकतम न्यूनतम, अधिकतम न्यूनतम भी वही हुआ मैक्सिमम मिनिमा, तो दो वही समीकरण, फिर दो समीकरण अलग अलग है खाली, निकल जाएगा। आगे एक क्वेश्चन है, प्रारंभिक वेग u से ऊपर की ओर फेंके गए पिंड द्वारा t समय में चली गई दूरी ये है, यानी ऊंचाई है h, जो कि एक समीकरण से व्यक्त है h बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। तब कहता है अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा, तो अधिकतम ऊंचाई पर फिर इसका क्या कर देंगे हम लोग, t के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देंगे, क्योंकि t के साथ वेरी कर रहा है ये ऊंचाई, किसके साथ वेरी कर रहा है? t के साथ कर रहा है। तो यहां देखिए क्या कर देंगे हम लोग, डी एच बाई डी टी कर देंगे, बराबर ये क्या हो जाएगा, यू खाली हो जाएगा ना, हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हाफ जी गुना टू टी पर माइनस टू माइनस वन, अर्थात हो गया ना, अर्थात
यू ये भी खत्म हो गया माइनस जी टी, क्या निकला यू माइनस जी टी। और अधिकतम ऊंचाई के लिए ये जीरो हो जाएगा, अधिकतम ऊंचाई के लिए क्या होगा ये जीरो हो जाएगा, अर्थात u माइनस जी टी बराबर जीरो। तो खाली t बराबर कितना हो जाएगा u बाई जी, नहीं होगा इसको इधर ले जाएंगे जी टी होगा, t फ्री कर देंगे तो u बाई जी होगा, t का वैल्यू ये आ गया, t के साथ वेरिएशन कर रहे थे t का वैल्यू निकलेगा, वो पूछ भी रहा है वही हुआ होगा। अधिकतम प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा, टी निकाले कर रहा है यही समय अधिकतम के लिए लगेगा, बात भी कहिए अधिकतम का फिर क्यों लगेगा, क्योंकि आप तो अभी सिंगल निकाले हैं, ये तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों के लिए कंडीशन है, सही बात है। इसके बाद जांच लेते हैं, जांच कर देंगे, इधर जांच कर देता हूँ, जांच जांच में डी टू एच बाय डी टी स्क्वायर ये नहीं करते हैं, तो सिंगल वाला कितना वैल्यू निकला, ये निकला है ये हो जाएगा डी बाय डी टी ऑफ डी एच बाय डी टी, ये हो जाएगा यानी कि डी बाय डी टी ऑफ डी एच बाय डी टी का मान कितना निकला है यू माइनस जी टी। अब इसको करते हैं तो यू का क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, यू का जीरो नहीं हो जाएगा जीरो हो जाएगा, अर्थात माइनस जी खाली हो गया, टी का वन हो जाएगा, यू तो कांस्टेंट है इसके लिए ना, टी के साथ वेरी कर रहा है तो वही सी यू से क्या मतलब है यू खत्म हो जाएगा, तो माइनस जी निकला, देखिए ऋणात्मक निकला तो ऋणात्मक निकला तो इसका मतलब टी का जो वैल्यू निकला है वो अधिकतम ऊंचाई का शर्त है, अतः अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए यू बाई जी समय लगेगा। समझ में आया, बन जाएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, उसको आप लोग स्क्रीन शॉट ले लेंगे और फिर बनाएंगे अपने से, बनाया वा नहीं देखना, ठीक ना, पहले क्वेश्चन लेके बना लेना है, फंसेंगे तब देखना है इसको, ठीक ना, ठीक है, फिर मिलते हैं इसी तरह अगले क्लास में।